सो हे दोस्तों, कैसे हाल? सलो, स्वागत है सबका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बिगनर्स के लिए मैं बना रहा हूँ, जो मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, जो भाई हमारे हैं वो मोटो ब्लॉगिंग के वीडियोस डालना चाहते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे या फिर इंस्टा पे कहो। तो फिर दोस्तों, ये जो है आज का मोटो ब्लॉगिंग सेटअप है हमारा, जो कि बिगनर्स के लिए है, जो कि एक एक करके मैं आपको इसकी प्राइस भी डिटेल में बताने वाला हूँ और कैसे इंस्टॉल करने का, इसको कैसे यूज़ करने का है वो भी आपको मैं डिटेल में रिव्यू देने वाला हूँ दोस्तों। और इसमें से कुछ ज़रूरत है, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, कुछ की ज़रूरत पड़ेगी आपको या फिर नहीं भी पड़ेगी, तो फिर आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको किस चीज़ की ज़्यादा मेन ज़रूरत है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और माफ़ करना यार कि मेरे वीडियोज़ आ नहीं रहे, क्योंकि मैं गाँव की साइड आया हूँ, आप देख सकते हो बाहर का व्यू। तो फिर मैं गाँव की साइड आया हूँ, तो फिर एक दो महीने से मैं इधर ही हूँ, तो फिर वीडियोज़ हमारे नहीं आ रहे ज़्यादातर, सिटी के साइड में जा नहीं रहा हूँ, तो इसलिए। बट चैनल पे बने रहिए दोस्तों, कि ऐसे बोलते हैं ना, थोड़े दिनों में मैं वीडियोस डालना स्टार्ट कर दूंगा वापस से। तो फिर दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो में, और एंड तक जरूर देखना ये वीडियो। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। अभी मैं आपको हर एक चीज़ की प्राइस बता देता हूँ और आप कहाँ से बाय कर सकते हो वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले जो है वो हमारा यूला जी केस से, जो यंत्रा की तरफ से आता है, ये गोप्रो हीरो 8 का है दोस्तों। तो फिर आप जो आपके पास गोप्रो होगा या फिर कोई भी एक्शन कैमरा होगा, आप उसके हिसाब से आप ये केस ले सकते हो। और इस पर हमने जो है वो एडेप्टर भी लगाया हुआ है गोप्रो का। ठीक है, तो इसकी प्राइस जो है दोस्तों, ये केस की ये जो है 1200 के आसपास आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जो एडेप्टर जो है वो 4500 का मिल जाता है, 4000 से 4500 तक आपको मिल जाएगा, कहीं पे भी, अमेजोन पे भी मिल जाएगा और फ्लिपकार्ट पे भी। ठीक है, तो ये जो केस है 8 है, 8 की दोस्तों, गोप्रो हीरो 8 की, तो ये आपको शायद कम ही मिलेगी देखने को, क्योंकि अभी 9, 10, 11, 12 आ चुके हैं गोप्रो, तो ज़्यादातर वही लेते, तो फिर ये केस जो है वो कम हो चुके हैं। आप मेरे को DM कर दो, फिर आपको मैं लिंक सीधा आपके कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। ठीक है, तो बाद में आते हैं दोस्तों, ये जो हमारा वेगा का हेलमेट है। तो फिर दोस्तों, मैं आप अगर बिगिनर्स हो गए तो आपके लिए ये हेलमेट मैं ज़्यादा प्रिफेयर करूँगा। ऐसा नहीं कि आपको यही हेलमेट लेने का है, आप कौन सा भी हेलमेट ले सकते हो, बट फिर ये हेलमेट जो है मैं आपको प्रिफेयर इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये जो है सेफ्टी भी है और ये जैसे बोलते हैं ना, हल्का भी नहीं है, और ज़्यादा राइडर्स जो है वो अभी यही यूज़ कर रहे हैं फिलहाल के लिए। और इसकी कीमत जो है वो दोस्तों 1800 के आसपास है, मतलब आप अगर वेगा के शोरूम में जाओगे तो 1800 के आसपास आपको यही मिल जाएगी। ठीक है, और हमने इधर ब्लैक वाइजर लगाया हुआ है, तो आप देख सकते हो इसके साथ आप ब्लैक वाइजर शोरूम से ही लगवा सकते हो, वो लगा के देंगे अगर आप उनको बोलोगे तो। और इसकी कुशन जो है वो आप देख सकते हो, इसकी कुशन जो है वो बहुत ही सही है दोस्तों, जो कि आपको ऐसे बोलते हैं ना, कंफर्टेबल फील करवाएगी, ज़्यादा पसीना वगैरह नहीं आएगा और ज़्यादा एयर की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब एयर सर्कुलेशन करने के लिए यहाँ पे जगह दिया हुआ है और यहाँ पे भी पॉइंट्स दिए हुए हैं इन्होंने, इधर ओपन आप कर सकते हो, तो यहाँ से एयर जाती है, एयर ट्रांसफ़र होती है दोस्तों इधर से। तो आप ये हेलमेट ले सकते हो, आपको प्रिफेयर करूँगा मैं हेलमेट लेने के लिए, तो आपके ऊपर है हेलमेट, आप कौन सा भी ले सकते हो। ठीक है, तो इसकी प्राइस जो है वो 1800 रुपये है, 1800 की आप थोड़ा सा बार्गेनिंग करके 1700 में भी ले सकते हो। ठीक है, तो आगे चलते दोस्तों। आगे ये हमारे ग्लव्स है, हैंड ग्लव्स, तो फिर प्रो बाइकर्स के दोस्तों, और ये जो है हमको 350 से लेकर 400 रुपये तक मिले थे, ये 300 रुपये में भी मिल जाते हैं अगर आप अच्छी खासी बार्गेनिंग करोगे तो, और ज़रा संभल के करने के दोस्तों, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा ऐसे बोलते हैं ना, फेक भी आते हैं, तो फिर आप ज़रा देख के ले लेंगे। ठीक है, तो फिर ये ग्लव्स हो गए, और फिर ये आपके ऊपर एक ऑप्शन में भी ले सकते हो दोस्तों, क्योंकि ये जो है ये मास्क है हमारा, आपको एक बार ओपन करके दिखाता हूँ। अभी मास्क जो है वो हेलमेट के अंदर पहन सकते हो, जो कि इससे जो है ना दोस्तों, वो पसीना वगैरह नहीं आता हेलमेट के अंदर, क्योंकि बहुत ही कुछ लोगों के ऐसे बोलते हैं ना, पसीना वगैरह आता है क्योंकि धूप की वजह से गर्मी वगैरह होती है, तो इसके अंदर से ना ऐसे बोलते हैं ना, पसीना नहीं आता और हमारे हेयर्स जो है वो ज़्यादा फॉल नहीं होते। पहली बात तो, क्योंकि मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मैं पहले ये मास्क नहीं पहनता था और सिर्फ हेलमेट ही पहनता था, फिर वो पसीना ऐसे बोलते हैं ना, घूम जाता था दिमाग में ऐसे सिर के ऊपर, तो फिर बहुत हेयर फॉल होने लग गए थे। तो फिर आप ये मास्क यूज़ करो, ये ऐसे बोलते हैं ना, अच्छे से कॉटन का मस्त, तो फिर आपका हेयर फॉल वगैरह नहीं होगा और पसीना भी ज़्यादा नहीं आएगा। और दूसरी बात दोस्तों, ये जो हमारा माइक है, ये जो चीज़ है वो मेन चीज़ है दोस्तों, ये तीनों जो चीज़ें वो मैन है, क्योंकि ये चीज़ जो है वो माइक हमारी ऑडियो क्वालिटी की वजह से बोलते हैं ना, बहुत ही अच्छे से रिकॉर्ड करता है, और इसका मैं कवर। तो दोस्तों, ये है स्टूडियो माइक, जो भी इसका लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से आवाज़ रिकॉर्ड करता है। और दोस्तों, ये है सोनी का माइक। ठीक है, और इसका प्राइस भी बता देता हूँ मैं,
इसका प्राइस जो हो गया वो 150 के आसपास मिल जाते हैं दोस्तों। और इसका प्राइस जो है दोस्तों 1800 से लेके 2000 तक मिलता है, 1800 के और 2000 तक। अगर ऑफर में रहा तो 1800 तक मिल जाता है, और ऐसे रहा तो 2000 तक मिल जाएगा दोस्तों स्टीरियो माइक सोनी का। और दोस्तों इसका नाम, अगर आपको ऐसे बोलते हैं ना, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बट इसका नाम जो है वो लेवल 1 सोनी लेवल 1 ECM या ECM, हाँ ECM लेवल 1 माइक है दोस्तों। तो फिर आपका ऐसे बोलते हैं ना, आवाज़ जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से रिकॉर्ड होगा दोस्तों। मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ, ठीक है। तो फिर ये माइक जो हो गया वो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उधर से जाके बाय कर सकते हो। और दोस्तों ये जो है हमारा माउंट है वो ऐसे बोलते हैं ना, हेलमेट को लगता है इधर सामने, यहाँ पे ऐसे सामने लगेगा दोस्तों माउंट। ये जो है अच्छी तरीके से लेना, क्योंकि ये कैमरे के लिए अलग, और अगर आप कैमरे की जगह फ़ोन लगा रहे हो दोस्तों तो इसके लिए अलग माउंट मिलता है थोड़ा सा, तो आप ले लेना तो अच्छी तरीके से देख के लेना, ठीक है। तो फिर ये जो है हमारा एक्शन एक्शन प्रो का माउंट है, ये हमको 300 से 350 रुपये तक मिल जाएगा अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे, और इसका भी जो प्राइस है वो फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा दोस्तों। और ये मैंने आफ्टर मार्केट लिया था, ठीक है। तो फिर आप इसको ये ले सकते हो, 300 रुपये तक मिल जाता है। और फिर बाद में आता है हमारा गोप्रो दोस्तों, ठीक है। ये गोप्रो मैंने सेकेंड हैंड परचेज किया था 20 से 20 हज़ार रुपये में। तो फिर आप इसका प्राइस कम हो गया है, क्योंकि ये गोप्रो Hero 8 है, आप इधर देख सकते हो, 8 ब्लैक है। तो फिर ये जो कैमरा है आपको सेकेंड हैंड नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑनलाइन जो है वो मिलना बंद हो गया है, ठीक है। इसकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है, आगे चल के मैं आपको ब्लॉगिंग करके दिखाऊंगा छोटा सा। तो फिर आप इसकी क्वालिटी चेक कर लेना, या फिर मेरे ब्लॉग्स देखते होगे, सब्सक्राइबर होगे मेरे, जो उनको पता ही होगा कि इसकी क्वालिटी कैसे आती है, ठीक है। तो फिर अगर आपको ये नया लेना होगा तो 9, 10, 11 अभी है मार्केट में अंदर, तो फिर आपको 20 से 22 हज़ार तक लेके 8, 9 मिल जाएगा। या फिर आफ्टर मार्केट भी लेने जाओगे तो आपको 8, 9, 10 आसानी से 20 हज़ार के आसपास तक मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर इसके अभी हो गया सब दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी चीज़ों की हमको ज़रूरत है, ये दोनों तो बाजू में हटा दिए, तो फिर ये पाँचों चीज़ें जो है वो बहुत ही मेन है दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, माइक को लेके, ठीक है। तो फिर ये पांच जो चीज़ें दोस्तों वो बहुत ही मायने हमारे लिए। तो फिर आपको अभी इसका इंस्टॉलेशन करके दिखा तो एक एक अच्छे तरीके से। दोस्तों माफ़ करना, थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ा मेरे को, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूँ कि आप माइक को कैसे इंस्टॉलेशन कर सकते हो अच्छी तरीके से। जो आपको जो ये पैडिंग जो दिख रही है साइड की, उसको आप ऐसे बोलते हैं ना, एक एक पॉइंट निकाल लेने का। ये जो ऊपर का पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे 4 पॉइंट रहते हैं, ऊपर के 2 जो पॉइंट है वो आपको निकाल लेने के, ठीक है। तो फिर आपको जो आगे का जो माइक रहता है, ये स्पेशली मेन वाला, ये आपको सामने से साइड में लगाने का है दोस्तों। आप सामने लगाते कुछ लोग, बट फिर आप साइड में ही लगाने का, क्योंकि आपका जो वॉइस जो रहता है वो ऐसे बोलते हैं ना, सांस की जो आवाज़ रहती है वो दोस्तों अच्छे से आती है, ठीक है। तो आप इसको साइड में ऐसे इंस्टॉलेशन करके, और ये जो वायर जो है वो आप अंदर लगा देना, जो कि इस तरह से थोड़ा सा वायर अंदर लगाने के बाद दोस्तों, ये जो ऊपर का जो क्लिप है दोस्तों, वो आप इसको अच्छे से पैक कर देना। और ये बाकी का जो वायर दोस्तों, ये पीछे से ऐसे पीछे से लेके और इसके अंदर आप डाल सकते हो, जो कि वायर जो है वो दिख नहीं रही है दोस्तों, आप देख सकते हो कितना भी करो, और ये वायर जो है वो निकलती नहीं है। इसका ये फिक्र आप मत करो कि आप ऐसे बोलते हैं ना चलती गाड़ी पे ये वायर जो है वो निकल जाएगी, आप बिना ऐसे बोलते ना परेशानी के आप यहाँ पे वायर लगा सकते हो। और सेम तरीके से इस साइड से भी करने का है दोस्तों, ये पैडिंग के नीचे से डालने का है,
और इतना वायर जो बच चुका है दोस्तों, ये जो है वो ऐसे फोल्ड करके आप, और जितना इतना सा वायर जो है वो हमको बाहर निकाल के रखना पड़ेगा क्योंकि कैमरे को लगाने के लिए। और जो ये वायर है दोस्तों, ये आप इसको भी अंदर डाल सकते हो पैडिंग के अंदर, ठीक है, जिसके वजह से आपका जो है वो मोटर ब्लॉगिंग करने के लिए ज़्यादा वायर बाहर नहीं निकलेगा दोस्तों। इतना वायर जो है उनको क्यों बाहर रखने का है, जो कि हम कैमरे को लगा सकेंगे, ठीक है। तो फिर हमारे कैमरे की साइड इस जगह पे आप देख सकते हो पॉइंट यहाँ पे, तो फिर जितना चाहिए आप उतना वायर लगा के यहाँ पे लगा सकते हो, ओके। तो फिर इसके वजह से आप देख सकते हो दोस्तों पैडिंग जो है वो ज़्यादा ख़राब नहीं हुई, ठीक है। और ये माइक जो है आप किसी भी जगह पे लगा रख सकते हो, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, उससे कुछ ज़्यादा इशू नहीं होगा। और अगर आपका माइक अगर बाहर निकल आया थोड़ा सा भी, ठीक है, तो फिर आपको एक बार मैं आपको माइक का जो पोजीशन है, तो दोस्तों आपको माइक का पोजीशन दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने माइक जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से फिटिंग हुआ है, ठीक है, जो कि आपकी आवाज़ जो कुछ जो है वो माइक यहाँ पे सामने लगा देते हैं सामने, जो कि उससे जो क्या होता है, जो हम ऐसे बात करते हैं तो फिर हमारी सांस जो है वो फूल जाती है, और उसका जो आवाज़ आता है सांस का जो माइक में रिकॉर्ड हो जाता है, जो जिसे ब्लॉगिंग जो है सुनने में थोड़ा सा इरिटेटिंग सा लगता है, ठीक है। तो फिर इसलिए हमने माइक जो है वो यहाँ पे लगा दिया है। तो चलो थोड़ा कुछ समस्या और कर देते हैं। और भाई जी NMS 200 फुली मॉडिफाइड पूरा रैप करके रखा है, मैक्रोपोइक भी है, दोनों मैक्रोपोइक। यही सही भाग रही है,